लाजमी सी बात है कि कुछ सालों का लीप आया है तो कुछ सालों में बहुत कुछ घटा भी होगा, और बहुत कुछ जो घटा होगा उसमें बहुत सारे सवाल भी होंगे दर्शकों के मन में। तो बहुत सारे सवालों में से एक बहुत बड़ा सा सवाल है कि भाई आद्या द्वारका कैसे पहुंची? आद्या कहीं पे भी पहुंच सकती थी, क्या द्वारका में आद्या को पहुंचाया गया? क्या द्वारका आद्या अपने आप नहीं गई है? क्या कान्हा जी की कृपा से आद्या यहां आई है, या घर में कोई ऐसा शख्स है शाह परिवार का जिसने आद्या को द्वारका भिजवाया? लेकिन द्वारका भिजवाने के बाद द्वारका में आद्या कहां चली गई है, इस बात की खबर ना होने के कारण क्या कोई ऐसा शख्स है जो पूरी तरीके से पागल हो जा रहा है, तिलमिला जा रहा है, बौखला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना है, क्या ऐसा कुछ कहानी? और यदि ऐसी कुछ कहानी है तो आद्या को क्या खतरा है, क्या आद्या को मारने की साजिशें रची जा रही है? जी हां दोस्तों, क्योंकि आद्या के पास एक बहुत बड़ा सच है जो सच अनुपमा की जिंदगी को बदलेगा, और साथ ही साथ एक और ऐसे शख्स की जिंदगी को बदलेगा जो शाह परिवार में बैठकर चुपचाप भाई पसेरा डाले बैठा है। ये ऐसा सांप है जो मौके की तलाश में आपका पैर जैसे ही पड़ा पत्तों के बीच में दस दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं, और लेकर आया हूं ताज़ा तरीन अपडेट को, जहां पर आपको बताते हुए बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि भाई बेशक ही कुछ सालों के लीप में बहुत कुछ घटा है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि भाई आद्या द्वारका ही क्यों गई है, और द्वारका यदि गई है तो डॉली जो हमारी डॉली फुआ जी हैं भाई मीनू की परम पूजनीय माता श्री, इन्हें आद्या को लेकर क्यों इतनी चिंता हो रही है ये सोचने बात है। इन्हें खुद अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन इन्हें अनुपमा की बेटी के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता सताने लगी है। और भाई सोचने वाली बात है कि यदि आद्या ने डिंपी को मारा है, ये वाला सच पूरा हट गया है, माही ने बता दिया, किंजल ने बता दिया, उस कर्मकांड को इतने साल बीत गए हैं, कुछ सालों का लीप आ गया, कहानी आगे बढ़ गई है, तो अब आद्या को इनसिक्योरिटी की फील हो रही है, क्यों फील हो रही है, क्यों फील हो रही है? तो भाई सोचने वाली बात है कि भाई अजब आद्या के बारे में कुछ ऐसी बात ही नहीं है, आद्या उस चीज को भूल चुकी है। देखो भूल चुकी है मतलब आद्या के दिल में गिल्ट है, नफरत है कि उसकी माँ ने उसे गलत सोचा, उसकी माँ उसकी दुनिया में नहीं है, ये अपनी एक नई वर्स बना चुकी है भाई, जहां बनना एक नए मल्टीवर्स में आद्या अपने साथ अपने ही आप को माँ सोचती है, अपने आप को बेटी सोचती है, यानी आद्या की जिंदगी में माँ का कोई मतलब नहीं है। तो भाई ऐसे हालातों में अनुपमा ने आद्या की जिंदगी में वापस आने के फिर बारे में फिर से सोचा। आपको पता है कि अनुपमा आद्या के पास फिर से जा रही है, द्वारका पहुंच चुकी है, अनुपमा ने पैर रख दिए हैं, भाई पैर जैसे ही पड़ेंगे अनुपमा के आद्या को कुछ तो फील होगा, भाई सीरियल है शो चले कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा भाई ट्रेजिक होने वाला, भाई ऐसा ट्रेजिक होने वाला है कि अनुपमा आद्या के उसी आश्रम में रहने वाली है जहां पर आद्या सारे बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन संयोग की बात देखिए इतना होने के बाद भी अनुपमा और आद्या एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। ये बात मैं अपने सारे वीडियो से बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि भाई ये बात बहुत खास है यार, खास नहीं ये फूलिश वाली बात हो गई भाई, एक तरीके से मूर्खता की बात हो गई, कि भाई सोचने वाली बात है कि एक माँ एक बेटी को नहीं पहचान रही है और एक साथ रह भी रहे, भाई इंडियन टेलीविजन सीरियल में टीआरपी का बॉस है भाई ये शो, लेकिन इसके बावजूद भी यदि इसमें भी ऐसे वायात किस्से दिखाएंगे तो दर्शकों को गुस्सा तो आएगा, और मुझे एज ए व्यूअर एज ए रिव्यूअर एज ए वीडियो बनाते हो मुझे भी तो गुस्सा आ रहा है, तो मुझे भी अपना गुस्सा जाहिर करने का अधिकार है, राइट टू स्पीच हर किसी को है। तो भाई सोचने वाली बात है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो हमारी डॉली फुआ जी उनके बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ पता चली है। भाई देखिए डॉली को ना क्या हो गया है कि ना एक तरीके से जो अंदर ही अंदर गिल्ट रह जाता ना, वो गिल्ट कुछ ज़्यादा ही लेवल तक बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन पछतावा इतना घर कर ले रहा है पूरे शरीर में कि अब मुझे लगता है कि डॉली के शरीर में खून पानी नसें नहीं बल्कि ऊपर से नीचे गिल्ट दौड़ता है भाई ऐसे ऐसे। और मुझे तो ये भी लगता है कि अब आद्या यदि मिल जाती है, सोच लेते हैं अनुपमा को चलो मिल जाती है ऐसा सोच लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों डॉली का कर्मकांड तो फूटना ही है भाई, डॉली का भांडाफोड़ होना है। चलिए इस बात से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि डॉली का भांडाफोड़ हो या ना हो, लेकिन डॉली के भांडाफोड़ होने से ना सबसे बड़ा खेल मिलेगा भाई। क्यों? क्योंकि भाई उस दिन तोशु ने आद्या को अरेस्ट करने के लिए पुलिस बुलवाया था, ये बात अनुपमा भूली नहीं है, लेकिन अनुपमा तोशु को इसलिए माफ़ कर रही है क्योंकि तोशु को ऐसा लगा क्योंकि
डॉली वहाँ पे खड़ी थी और डॉली ने ये सारी चीज़ें देखी हैं और इसी के लिए डॉली खड़ी हुई एक ऐसी विक्टिम है, या यूँ कहें कि भाई एक ऐसा सबूत है जिसने आंखों देखी है कांड को होते हुए देखा। इसी के लिए डॉली की बात पर यकीन करके तोशु पुलिस केस कर सकता था, यह अनुपमा मान लेती है। लेकिन भाई बहुत बड़ा ट्विस्ट क्या बताऊं आपको, डॉली ने ही ये कांड किया, ये चीज़ ना तोशु को पता है। उसके बाद भी तोशु ने, पाखी ने, स्वीटी ने आध्या को अनुपमा से दूर करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करने के, पुलिस को बुलाया जाता ताकि वो आध्या गिरफ्तार करे और अनुपमा से बदला ले सके। यानी कुल मिला के दोस्तों ये जो बहुत बड़ा सच है जो अनुपमा की ज़िंदगी में रिश्ते को मायने बदल देगा। मैं यकीन बताऊँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन लोगों की चोरी पकड़ी जाए, इन लोगों का रिश्ते हो जाए, अनुपमा फिर से इन्हीं के साथ रहेगी। कुल मिला के मुझे तो लगता है कि एक दिन जब ये शो खत्म भी हो रहा होगा ना, आज से 10-15 सालों के बाद, क्योंकि भाई इन्होंने कसमें खाई है, शो को बंद नहीं करना है, शो को घसीटना है। जब तक रूपाली गांगुली मैडम है हमारे पास, हम शो को बनाते जाएंगे। अब हमें अनुज की जरूरत नहीं, वनराज की जरूरत नहीं, किसी की नहीं, हम अपनी अनुपमा को ही लेकर अनुपमा के शो को खींचते चले जाएंगे। अब ऐसे में किसी को शो में रहना है रहे, नहीं रहना नहीं रहे, अब ये मेकर्स ने डिसाइड कर लिया। इसीलिए मैं बोला 10-15 सालों के बाद, हो सके तो भाई 25 सालों के बाद, चलिए शो चल ही रहा है मान लेते हैं। हम चलते हैं भाई 2045-50 में, जहां पर दोस्तों अनुपमा बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है, जहां पर अभी भी बापूजी और बा दोनों जिंदा हैं, और तब भी दोस्तों यकीन मानिए शो का लास्ट एपिसोड होगा, उसमें तोशु पाखी इन्हीं के साथ भाई ऐसा कुछ फोटो वाला फ्रेम आएगा, फैमिली वाला, जहां पर ऐसे फैमिली का फोटो बना के भाई अनुपमा शो को एंड करेगी। क्योंकि गारंटी दे रहा हूं कि अनुपमा कुछ भी हो जाए महान बनते रहेगी, परिवार 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 ही करते रहेगी। इसके अलावा अनुपमा की ज़िंदगी में दूसरा कुछ तात्पर्य ही नहीं बचा। जीने का मकसद होता है ना हर किसी का, तो अनुपमा के जीने का मकसद नहीं, अनुपमा के जीने का मकसद है उसके सगे बच्चे और उसका परिवार, जो परिवार वो पहले अपना समझती थी, जिन लोग उसे अपना समझते थे, हालांकि अंदर से समझने के अलावा इस परिवार में कोई भी सच्चा रिश्ता बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी अनुपमा को समझना है, क्योंकि एपिसोड्स खत्म करने, शो खत्म करना, शो का आखिरी एपिसोड भी ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। बेशक ही आप क्या सोचते हैं डॉली के बारे में, क्या डॉली का इस कहानी में लीप के बाद इनके किरदार को रखना क्या वाजिब है, क्या इनके किरदार को भाई जबरदस्ती रखा गया, आपको ऐसा लगता है तो कमेंट के जरिए बताइए, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है। और वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो तो वो भी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े कोई भी अपडेट, सारे अपडेट, एनी अपडेट, टूनी अपडेट, जैसे भी अपडेट पाना चाहे, तो चैनल को टाइम्स ऑफ मीडिया को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टीआरपी में अनुपमा के शो को बनाए रखना है, क्योंकि 2050 तक खींचना है। तो अनुपमा के शो को टीआरपी बढ़ाने के लिए, अनुपमा को प्यार देने के लिए देखते रहे अनुपमा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी पर हॉटस्टार पर, और पात्र दोस्तों के सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।